नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? पहलवान गुरुदीन महाविद्यालय से मैं फिर एक बार राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता विभा ताम्रकार एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूँ, नए वीडियो व नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति व राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों से संबंधित चर्चाएं। वैसे सभी को पता है राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ऐसे राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, राज्यसभा हुआ, लोकसभा हुआ और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं और राष्ट्रपति का यही चुनाव कर लेते हैं। अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन समय अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी पद पद्धति द्वारा होता है। आज हम समझाएंगे राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां, कभी कभी आपातकालीन शक्तियां भी कहते हैं इसको। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। कितने में मिलता है? भाग 18 और अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। पहला है जैसे 352, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति की कौन सी आपातकालीन शक्ति आती है? 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति आती है युद्ध या वृह आक्रमण या सशक्त विद्रोह के कारण लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? 352 अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है युद्ध एवं वृह आक्रमण या सशक्त विद्रोह के आधार पर राष्ट्रपति, पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यदि हमारे देश पर बाहरी आक्रमण होता है या युद्ध होता है किसी देश से, तो पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। दूसरा है 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपातकाल। कितना है? अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में, अभी वृह आक्रमण वाला बता रहे थे तो पूरे देश में लगता आपातकाल, पूरे भारतवर्ष में घोषित हुआ था, लेकिन 356 जिस राज्य में सरकार गिरती है या मुख्यमंत्री का आकस्मिक निधन हो जाता है या किसी गठबंधन की सरकार बनती है तो किसी कारणवश सरकार गिर जाती है, बहुत से ऐसे कारण हो सकते हैं, तो 356 के अनुसार उस राज्य में, राज्य बोल रहे हैं, राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अब अगला आता है 360। अभी हमने 352 बताया, 356 बताया, अब है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आपातकाल आता है। 360 के अंतर्गत आता है वित्तीय आपात आने पर। यदि वित्तीय आपात देश में आ गया तो वित्तीय आपात के कारण अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लग सकता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ये तो हुई राष्ट्रपति से संबंधित जानकारी कि राष्ट्रपति का शासन कैसे लगता है, क्योंकि वह भारत का प्रथम नागरिक होता है, जल थल वायु तीनों सेना का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, इसलिए राष्ट्रपति को ये संकटकालीन शक्तियां, बड़ी महत्वपूर्ण शक्ति उसको प्रदान की गई है। वर्तमान में राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन सी? कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें कंपटीशन में पूछा जाता है कि महिला राष्ट्रपति कौन रही। प्रथम महिला राष्ट्रपति श्री प्रतिभा पाटिल रही देश में। आशा करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए नमस्कार।